राजेंद्र प्रसन्ना और राकेश प्रसन्ना। दोनों कलाकार बांसुरी वादन में अपनी दक्षता हासिल कर चुके हैं। देश विदेश में दोनों ही कलाकारों की अपनी पहचान है। और आज हम बात कर रहे हैं शहनाई वादन और बांसुरी वादन। रघुनाथ जी शहनाई के नाम से जाने जाते थे, उनकी एक अलग पहचान थी, एक राष्ट्रीय बुलंदी पर उनकी पहचान रही। किस तरह से आपके पिताजी ने इसकी शुरुआत कराई? देखिए क्या है था कि हमारी जो परंपरा है 250-300 साल और उससे पहले पूरी हिंदुस्तान के हर जगह गाना बजाना करते थे हमारे बुजुर्ग सारे पिताजी। जब मेरे दादाजी कुछ बिहार दरबार में थे कि जब कुछ बिहार में वो छोटे थे तो वहाँ पे उन्होंने एक बांसुरी सुनी और बांसुरी सुन के उनको लगा कि यार ये कमाल की बांसुरी कोयल की तरह बज रहा है और एक तेली अपने दुकान पे बनिया जो है वो बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है। वो ऐसे मोहित हो गए कि यार ये ऐसा कमाल का ही छेड़ रहा है ये संगीत। तो उससे कहे कि भाई ये बांसुरी जो बजा रहे हो हमें सिखाओ। उसने कहा भाई मैं नहीं सिखाऊंगा, मना कर दिया। 2-3 बारी गए उसके पास सीखने के लिए, वो मना करता रहा। फिर क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे मेकर भी थे, बहुत अच्छा बांसुरी बजाने वाले, बनाने वाले। एक्चुअली क्या है कि वो एक दफ़े जिसको देख लें तो बस वो चीज़ वो बना लेते। तो उन्होंने वही देखी और बांस काट के उन्होंने वैसी बांसुरी बना ली। एक अद्भुत कलाकार थे। हाँ। जो बांसुरी बजाने के साथ साथ बांसुरी बनाने का भी काम भी स्वयं करते थे। नहीं क्या कोई भी साज हिंदुस्तान का सितार हो सरोद हो, उनके हाथ का सरोद है, हारमोनियम है, गिटार है, मतलब जो जो मतलब वो बढ़ई का काम भी एक तरह से मतलब एक कोई भी चीज़ देख लें अगर देखें ये डिजाइन है तो वैसे वैसे बना दें। इस तरह का उनका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब भी उनको कहते थे ये विश्वकर्मा है, उनको ये उपाधि दी हुई थी, इतना उनको मानते थे पिताजी को। तो वो देखे और उसके बाद वैसी सेम बांसुरी बनाई क्योंकि ये कृष्णा बांसुरी जो हम आज बजा रहे हैं ये बांसुरी नहीं थी। एक ज़माने में वो थी त्रिपुरा बांसुरी, उसका उन्होंने उस सुनने के बाद वो बनाया और फिर उसको उस पर रियाज करें। अब उस पर फूक मारना इतना मुश्किल है, अभी तो हम इसमें फूक आसान से मार लें, उसमें फूक मारना मुश्किल है। राकेश अभी आपको सुनाएंगे तुपरा का क्या फूक का स्टाइल है। ये मेरे पिताजी की शायद 1940 के आसपास की बनाई हुई फ्लूट है, जो इसमें एक जो आठ होल है, यहाँ पर 7 सामने और 1 पीछे। तो ये फ्लूट इतना डिफ़िकल्ट है कि एक्चुअली इसमें राग बजाना भी बहुत मुश्किल था। उन्होंने किस तरह प्रैक्टिस किया, किस तरह बजाया, तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने तो शायद बचपन में एक आध बार ही देखा था उनको बजाते हुए, कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह की फ्लूट कभी मैं बजाऊंगा, अभी मैंने कोशिश भी नहीं सोचा था। लेकिन उन्होंने जो ये फ्लूट बनाया है इसमें इतना डिफ़िकल्ट है, ये क्रोमेटिक है। इस तरह की फ्लूट ईरान में, टर्की वगैरह में यूज़ किया जाती है उसको। वो एक बांस भी नहीं होता, वो एक रीड होती है, उसी तरह का हमारे यहाँ ने बोलते सर ने। हाँ अच्छा अच्छा। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी लोग गांव में अलग अलग, हिंदुस्तान में कम से कम शायद बहुत सारी वैरायटी है। पंजाब में अलगोजा है, राजस्थान में भी अलगोजा है और कहीं है पहाड़ पे तो जीप वाली बांसुरी भी बोलते हैं उसको किसी को। तो बहुत वैरायटी है फ्लूट की। एक तो ऐसे बजाते हैं इसको और ये इसमें सारा क्रोमेटिक सुर आता है। सबसे कठिन अगर कोई बांसुरी है वो है त्रिपुरा बांसुरी, बिल्कुल सही, जिसका राग जो है बिल्कुल मौसम के अनुसार आधारित रागों को वो छेड़ता है। और उसका अगर देखा जाए बड़ा ही आध्यात्मिक लय है, उसका भाव भी बड़ा दूसरा है, क्योंकि गणपत जी से उसकी शुरुआत हुई। बिल्कुल सही। और मैंने सोचा है कि लाइफ में इसका इस फ्लूट का नाम श्री गणेश बांसुरी रखना चाहता हूँ। तो आप इसको तो इस श्री गणेश बांसुरी का जो नाम रखा आपने, मैं मानता हूँ, तो इस चीज को जरा एक बार बजा के उनके निमित्त किसी राग को उनके उसको समर्पित करिए आप। एक राग हंसवदनी है जो हंसध्वनि। अच्छा हंसध्वनि। तो श्री गणेश भगवान को ये राग बहुत पसंद था। Thank you.
एक तो थी त्रिपुरा बांसुरी की परिकल्पना और दूसरी थी कृष्णा बांसुरी की परिकल्पना। दोनों को दोनों ने अपनी ही तरह से उसको प्रस्तुत किया और आज आगे बढ़ाया, और उन्होंने जो आज हंसध्वनि राग से जो है इसकी शुरुआत की, हमारे कार्यक्रम में इस समय जो प्रस्तुत किया, गणपति जी की एक वंदना प्रस्तुत की, गणपति जी को वंदना समर्पित करके किस तरह से हमारे किसी भी पर्व की, किसी भी समारोह की, किसी भी त्यौहार को आगे बढ़ाया जाता है। कुछ भी हो, कोई भी आराधना हो, पूजन हो, अर्चन हो, गणपति जी की आराधना होती है तो राग के अनुसार, सप्त स्वरों के अनुसार किस तरह से राग को समर्पित करके गणपति जी की आराधना की गई, वो राकेश जी ने और राजेंद्र जी ने किया। आप इस चैती को लेकर के क्या कहेंगे कि किस तरह से ये प्रभाव डालती है मानव जीवन पर? चैती के अंदर थोड़ा बिरह भी है, तो इसके जो गाने बजाने का जो मेन भाव होता है बिरह का ज़्यादा होता है अब, और खुशी का भी होता है, क्योंकि हमारे कुछ राग या कुछ फोक मेलोडी ऐसी होती थी कि जैसे कि उनके पति बाहर चले गए या वो उस मौसम में वापस आ रहे, तो उस बिरह के हिसाब से कुछ कंपोजिशन ऐसे चैत मास में आम, आम का सीजन हो गया तो आम वाला गा रहे, या बौरा गईले रामा, एक तो ये हो गया सिंगार का, और दूसरी बात यही ठिया झूलनी, तो बहुत सारे तुम, क्योंकि हम, मेरा तो मेन है कि बजाने का, तो हम लोग सिर्फ बजा के ही तो उस राग को जरा छोड़िए। हाँ, चैती का जो एक माहौल है, अब सवरिया अब, बांसुरी का प्रभाव किस तरह से आप आंकते हैं राकेश भाई? कोई भी बांसुरी बजाने वाला है वो एक योग कर रहा है, सांस को अंदर ले आ रहा है फिर छोड़ रहा है, सांस को अंदर ले आ रहा है छोड़ रहा है, तो इससे शरीर के हर पार्ट को एक एनर्जी मिलती है। मैं जितना भी रिसर्च किया है इसके बारे में तो लोग मतलब इससे बीमारी दूर भागती है। जरा से एक्सप्लेन करिए ना इसको अपने बांसुरी के साथ। जैसे कि और मैं सांस खींचा, ये जैसे बाबा रामदेव के योग कराते कि प्राणायाम करो जी और सांस लो सांस छोड़ो, तो हमें फ्लूट में जैसे सांस लिया, अब वो कंटिन्यू सांस ले जा रहे हैं, और जितना स्लो हम सांस को छोड़ेंगे उतना हमारा, तो हम लोग जैसे कि लंबी कभी वो अक्सर सुनते रहते हैं जैसे
हमारी ओर से आप तीनों कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ।